नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन सभी ड्राइवर भाइयों के लिए है जो लोग ओला उबर चलाते हैं या किसी ऐप बेस्ड कंपनी के लिए काम करते हैं या कि प्राइवेट नौकरी करते हैं। अगर आप CNG भराते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में एक छोटा सा मैं वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप लाइव देख सकेंगे कि CNG पंप पर किस तरह से फ्रॉड होता है। जो CNG गैस भरते हैं वो लोग किस तरह से फ्रॉड करके लोगों से गलत पैसा लेते हैं, और आपको ये वीडियो देख के ज़रूर जानकारी मिल जाएगी कि आपको CNG पंप पर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम फ्रॉड से बच सकें। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ, आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ऐसा होता है तो आप ध्यान रखो, CNG पंप पे आप गाड़ी खड़ा करते हो ना तो मत जाओ, वॉशरूम मत जाओ, क्योंकि भरोसे लायक नहीं है आजकल की दुनिया। मत जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, आपको बता ना। तो अभी शफीक भाई दिखाएंगे आपको कैसा होता है। हाँ शफीक भाई बताओ जरा। अरे ये जो नोजल है, ये नोजल ऐसा पाइप घुमा के इधर से लेते हैं, ऐसा घुमा के लेंगे, और ये वाला जो पाइप है वो ये वाले गाड़ी में लगता है, लेकिन आपको मीटर बताएंगे ये वाला ये मीटर आपको बताएंगे, क्योंकि ये पाइप इधर का है। ये पाइप जो आ रहा है ना, ये पाइप मीटर इधर का, ये वाले मीटर का आ रहा है वो। तो आपको पैसा बताएंगे ये मीटर का, और आपका गैस जाएगा इधर से, और ये पाइप ऐसा घुमा के लेते पीछे से ऐसा। और इन लोग है ना, ये जो कॉक है, ये कॉक से इन लोग प्रेशर कम कर देते हैं कि भाई ये कॉक बंद करने से इधर से ये मीटर स्लो हो जाएगा, उसमें गैस नहीं जाएगा। और ये वाला मीटर जो गाड़ी भर रही है उसका तो फुल होगा, और ये पैसा तो इससे भी लेंगे और यही पैसा उससे भी लेंगे, और इसमें गैस गया नहीं, गैस गैस नहीं जाएगा। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि ये CNG पंप पे उस आदमी ने बताया कि CNG भरने वाला जो आदमी होता है वो किस तरह का फ्रॉड करता है। वो पाइप को जानबूझ के इस तरह से एक्स करता है, यानी कि इस तरह को क्रॉस कर लेगा वो, यानी कि यहाँ का जो मीटर होगा उसको दिखाएगा और इसका मीटर उसको दिखाएगा, और अक्सर लोगों का ध्यान कहीं और होता है तो इसका लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा CNG पंप में और अलग तरह के फ्रॉड होते हैं, उस बारे में बात करते हैं। जो CNG भरने का जो मशीन होता है, वो मशीन में भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल होते हैं। कुछ CNG मशीन ऐसे होते हैं कि जब वो नोजल लगाते हैं आपकी गाड़ी के अंदर, तो जब स्टार्ट करते हैं तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। पर कुछ CNG पंप ऐसे भी होते हैं जिनका जो CNG का मशीन होता है वो पुराना होता है या अलग मॉडल होता है। उसमें ये होता है कि जो CNG का जो नोजल होता है वो आपकी गाड़ी पे लगाने से पहले वो किसी रिक्शा को लगाया होता है या किसी दूसरी गाड़ी को लगाया होता है। मान लीजिए उस CNG भरने वाले ने पिछली रिक्शा में या फिर पिछले गाड़ी में जिसमें उसने CNG भरा था उसमें 150 रुपये का CNG भरा, लेकिन जब वही नोजल आपकी गाड़ी में लगाता है तो कई बार वो जीरो नहीं करता है और वो नोजल आपके गाड़ी में लगा देता है, और जब वहाँ से स्टार्ट करता है तो जो मीटर रीडिंग होता है वो 150 के बाद शुरू होता है, क्योंकि 150 रुपया ऑलरेडी वो गैस भरने वाला दूसरी गाड़ी में लगा चुका है। तो आप जो गैस भरेंगे आपको उसमें 150 रुपये का गैस कम मिलेगा, और अक्सर ऐसे मामलों में जो CNG भरने वाला होता है वो आपका ध्यान भटकाता है। कभी कभी वो क्या बोलेगा आपको कि अरे भाई बहुत दिन बाद आए इस पंप पे, क्या हुआ, कभी बहुत भाड़ा कम लग रहा है इस सड़क का क्या, या कभी पूछेंगे कि यार धंधा पानी कैसा चल रहा है, या कभी आपको इस तरह बोलेंगे कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल का बास आ रहा है तो आप यहाँ वहाँ देखने लग जाएंगे। तो इस तरह से वो लोग ध्यान भटकाते हैं, या वो लोग ये भी देखते हैं कि कभी कभी ये जो ओला उबर के ड्राइवर होते हैं CNG पंप पे गैस भरा रहे हैं, साथ में अपना जो मोबाइल होता है जिस पे भाड़ा आता है वो भाड़े को भी चेक करते रहते हैं कि भाड़ा कौन सा आ रहा है, कहाँ का भाड़ा लग रहा है, तो उनका ध्यान मोबाइल पे रहता है या कहीं और कुछ काम में रहता है। तो जैसे ही ये CNG भरने वाले देखते हैं कि ये ड्राइवर का ध्यान गाड़ी पर नहीं है, तो इस तरह से CNG भरने वाला मौके का फ़ायदा उठाता है। तो जब भी आप CNG भरने जाएं तो कोशिश करें कि आपका मोबाइल पे ध्यान ना हो, आपका पूरा का पूरा ध्यान CNG भरने वाले मशीन पे हो और उसके नोजल पे हो, और जो रीडिंग चल रहा है कितने का गैस भरा है उस पे ध्यान आना चाहिए। तो जब भी वो नोजल लगाता है तो ध्यान रखें कि वो स्टार्ट आपके ज़ीरो से हुआ है। इसके अलावा जो CNG पंप वाले होते हैं वो इस तरह भी फ्रॉड करते हैं कि आपने देखा हो कई बार CNG पंप पे वो नोजल लगाता है और कुछ टाइम बाद बोलता है आपका CNG रुक गया है, डबल मारना पड़ेगा। अगर आपने बहुत बार CNG भरा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो बोलते हैं डबल मारने को क्या बोलते हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो बोलता है अरे 100 रुपये पे CNG आपका अटक गया, वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली वो CNG कभी कभी ये भी होता है कि सच में 100 रुपये पे जाके CNG रुक जाता है क्योंकि प्रेशर का कुछ इशू होता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में ऐसा होता है कि वो 100 रुपया आपका होता ही नहीं है, वो 100 रुपया या 150 जो भी उसने CNG पंप वाले ने बोला कि उस पर अटक गया है, वो किसी और गाड़ी में भरा रहता है, और अब बस वो नोजल लगा देता है और अब ऐसा मीटर चालू करने का एक्टिंग करता है, लेकिन वो मीटर चालू नहीं करता है, आपका ध्यान कहीं और देखकर
वो इस तरह का फ्रॉड करता है और बाद में आपको बोलता है कि अरे आपका 100 रुपये बजा के या 150 रुपये CNG रुक गया है, तो उसको फिर से डबल मारना पड़ेगा, तो आपको भी गैस भराना रहता है, तो आप बोलते हो डबल मार लो। तो उस मामले में क्या करता है वो कि पुराना 100-150 जो उसने दिखाया था वो भी जोड़ता है और जो नया स्टार्ट किया उसने वो भी जोड़ता है। तो इस तरह से भी वो लोग फ्रॉड करते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप CNG भरने जाए तो आपका जो पहचान का CNG पंप है वहाँ पर भराए। जब वहाँ पर बार बार आप CNG भरते हो तो जो CNG भरने वाला होता है वो पहचान जाता है कि आदमी हमेशा आता है, तो ज़्यादातर मामलों में आपसे फ्रॉड नहीं करेगा। पर कुछ पेट्रोल पंप वाले ऐसे होते हैं कि जब देखते हैं कि ये जो CNG भरने के लिए गाड़ी मालिक आया है तो ये बहुत कम आता है, तो ये दोबारा पता नहीं कब आएगा, तो ऐसे मामलों में वो लोग नए लोगों को फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप CNG भरें तो जो CNG भरने वाले से पूछे कि मेरा मीटर कहाँ है, भले आपको पता चल रहा है कि सामने वाला जो मीटर है वो मेरा मीटर है, फिर भी उसको कन्फर्म कर लें कि भाई मेरा मीटर कहाँ है। वो बता देगा कि ये आपका ये मीटर है। जब आपने वो मीटर देख लिया हो तो दोबारा फिर वो मीटर को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि उसने जो मीटर दिखाया है उसके बाद वो दूसरे मीटर का पैसा मांग रहा है, तो उस समय तुरंत आप उसको पकड़ सकते हैं कि मुझे पहले तूने ये मीटर क्यों बताया था। तो इस तरह से आप सावधान रह सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप CNG भर लेते हैं तो आप मान लीजिए आपका CNG 450 का CNG हो गया आपका, लेकिन जब वो CNG भरने वाले देखता है कि इसका ध्यान कहीं और है, तो ये भी कर सकता है कि वो जो CNG भरने का जो मीटर होता है जहाँ पर हम मीटर देखते हैं कि कितने का गैस भरा है, उसमें वो चाहे तो पिछला रीडिंग भी ला सकता है। यानी कि आपसे पहले जिस गाड़ी वाले ने CNG भरा होगा, मान लीजिए उसने 600 का CNG भरा है, तो वो गैस भरने वाला रीडिंग को बैक कर लेगा और आपका 450 के बदले आपको 600 का CNG दिखा सकता है। हमको आपको बस एक ही रास्ता है इस फ्रॉड से बचने का कि सावधानी रखें, CNG भरते समय आपका पूरा ध्यान CNG पंप वाले नोजल पर रखें और मीटर रीडिंग पर रखें। तो आपने सुना ही होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये मुहावरा यहाँ पर सच साबित होता है। और इस तरह के फ्रॉड केवल CNG भरते समय नहीं, ये पेट्रोल भरते समय या डीजल भरते समय भी हो सकता है। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक कीजिएगा और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाई लोग इस तरह सावधान हो जाए और फ्रॉड होने से बच सकें। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में।